हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कमुडेंट संचयी क्या होते हैं। तो इफ एम जीरो टी इज एम जी एफ, ये पढ़ चुके हैं अपन। एम जीरो टी क्या होता है? एम जी एफ ऑफ एनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट ओरिजन। एम जीरो टी ओरिजिन के सापेक्ष किसी प्रायिकता बंटन का एम जी एफ। देन डिफाइंड ए फंक्शन के टी, तब हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं के टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी। के टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी इज कॉल्ड कमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। ये क्या कहलाता है? कमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन सी जी एफ। इन कंडीशन दैट, क्या कंडीशन है? लॉग एम जीरो टी कैन एक्सपेंशन इन पावर ऑफ टी विथ फ्रॉम कन्वर्जेंट सीरीज। लॉग एम जीरो टी को टी की पावर में अभिसारी श्रेणी के रूप में प्रसार किया जा सके या घात के रूप में लिखा जा सके। सो के टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी, इसको लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है उससे खोल दिया, तो के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस के क्यू टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन के आर टी आर अपॉन फैक्टोरियल आर एंड सो ऑन। तो के वन के टू के आर इज कॉल्ड द कमुलेंट्स ऑफ द डिस्टर्बेंस। तो बंटन के के वन के टू के आर क्या कहलाते हैं? संचयी कहलाते हैं या बंटन संचयी कहलाते हैं। तो के टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी बराबर के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस के क्यू टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस एंड सो ऑन के आर टी आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इसको इस फॉर्म में मैकरेलन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, के आर इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी आर, आर बार इसका डिफरेंशियल ऑफ के टी टी बराबर जीरो, तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नाउ कमुलेंट्स इन टर्म ऑफ मूवमेंट्स, संचयी का आघूर्ण के पदों में क्या होता है? के टी इक्वल टू जानते हैं अपन लॉग एम जीरो टी, पढ़ चुके हैं पीछे, और क्या होता है के वन टी के टू टी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू एंड सोन के आर टी आर अपन फैक्टोरियल आर, और के वन के टू के आर आर द कमुलेंट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो बी सी दैट के टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी, इसको खोल दिया अपन ने, लॉग एम जीरो टी की जगह अपन ने जो पढ़ चुके हैं एम जीरो टी पढ़ चुके अपन, क्या होता है एम जीरो टी वन प्लस यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू म्यू थ्री डैश अपन टी क्यू अपन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। तो एम जीरो टी की यहां पर वैल्यू रख दी, तो इसको अपन ने लॉग वन प्लस वन और इस पूरे को क्या मान लिया एक्स, तो वन प्लस एक्स के फॉर्मूला लगाया, तो क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री एंड सो ऑन, ये होता है लॉग वन प्लस एक्स का फॉर्मूला। तो म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस म्यू क्यू डैश टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन माइनस एक बटा दो म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन थ्री म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर अपॉन प्लस एंड सो ऑन क्यू माइनस एंड सो ऑन। इस प्रकार इसका एक्सपेंशन कर दिया, यहां से म्यू वन डैश टी अलग कर दिया, टी स्क्वायर के पद अलग कर दिए, टी क्यू के पद अलग कर दिए, टी फोर के पद अलग कर दिए, तो ये अपने पास आया म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस म्यू क्यू डैश माइनस थ्री म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस टू म्यू डैश म्यू वन डैश का होल क्यू टी क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस म्यू फोर डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश का होल स्क्वायर माइनस फोर म्यू वन डैश म्यू थ्री डैश प्लस बारह म्यू वन डैश स्क्वायर म्यू टू डैश माइनस सिक्स म्यू वन डैश का घात फोर टी फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन, ये आया अपने पास में। नाउ इक्वेशन वन, के टू इक्वल टू लॉग एम जीरो टी के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फोर एंड सो ऑन। और इक्वेशन नंबर टू नाम दिया है इसको, इसका कंपेयर करते हैं। तो के वन बराबर क्या आएगा? म्यू वन डैश, म्यू वन डैश किसके बराबर होता है? मीन के बराबर या एक्स बार के बराबर। के टू बराबर आएगा म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, ये बन गया आपका म्यू स्क्वायर या सिग्मा टू, ये क्या कहलाता है? वेरियंस।
फिर के थ्री इक्वल टू म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू वन डैश म्यू टू डैश प्लस टू म्यू डन डैश का होल क्यू एक हो गया म्यू क्यू एक के फोर का मान आ गया। इस प्रकार के वन के टू के थ्री के फोर के मान निकाल लेते हैं। इनसे क्या कंक्लूजन निकलता है बीटा वन, तो बीटा वन हम पढ़ चुके हैं पहले, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया है के थ्री स्क्वायर अपॉन के टू का होल क्यूब, उसको कहते हैं बीटा वन। बीटा टू इक्वल टू के फोर अपॉन के टू स्क्वायर प्लस थ्री, ये आ गया बीटा वन। और बीटा टू का मान भी आ गया, के वन के टू के थ्री के फोर के मान भी आ गए। और नेक्स्ट है मूवमेंट्स इन टर्म ऑफ द कम्स आघूर्ण संचय के पद में, तो क्या होता है बाई डेफिनेशन ऑफ द कम्पोनेंट्स के टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी, तो के टी का मान अपन ने रख दिया के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू प्लस एंड सो ऑन, लॉग एम जीरो टी का मान रख दिया यहाँ पर, तो वन प्लस म्यू वन डैश टी प्लस म्यू टू डैश टी स्क्वायर फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, और वन प्लस ये आ गया आपके पास में, इसको इधर ले गए तो ये एक की पावर एक्सपेंशन में चला गया, ये आ गया, तो इसको अपन ने एक्सपेंशन को प्लस में तो मल्टीप्लाई में कर दिया, एक्सपेंशन के वन टी एक्सपेंशन ऑफ के टू टी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू एंड सो एन एक्सपेंशन ऑफ के आर टी आर अपन फैक्टोरियल आर। ई की पावर एक्स का विस्तार कैसे करते हैं, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू, इससे विस्तार कर दिया ई की पावर एक्स से सबका, और फिर उसके बाद कंपेयर किया इससे, तो म्यू वन डैश इक्वल टू है अपने पास के वन, म्यू टू डैश इक्वल टू के टू प्लस के वन स्क्वायर, म्यू थ्री डैश इक्वल टू के वन क्यू प्लस थ्री के वन के टू प्लस के थ्री एंड सो ऑन, इसी प्रकार से मान आते जाएंगे। नेक्स्ट है इसकी कम्पोनेंट्स की प्रॉपर्टी, पहली है ऑल कम्पोनेंट्स एक्सेप्ट द फर्स्ट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ द एनर्जी, कहने वाले कम्पोनेंट फर्स्ट पर स्केल परिवर्तन का ही प्रभाव पड़ता है दूसरों पर नहीं पड़ता। तो लेट वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए देन एम जीरो टी वाई इक्वल टू ई की पावर टी वाई, वाई की जगह एक्स माइनस ए रख दिया तो समेसन ए ई माइनस ए टी ई की पावर टी एक्स आई पी आई, ई माइनस ई की पावर माइनस ए टी बाहर ले लिया यहां से, तो एम जीरो टी वाई बराबर ई की पावर माइनस ए टी एम जीरो टी एक्स। नाउ के वाई टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी वाई, तो इसमें एम जीरो टी वाई का मान रख दिया यहां से, ये अपने पास में आया, और अपन जानते हैं के वाई टी इक्वल टू लॉग एम जीरो टी वाई, के वाई टी का विस्तार कर दिया के वन वाई टी प्लस के टू वाई टी स्क्वायर अपन फैक्टर टू एंड सो ऑन, एम जीरो टी का यहां से मान रख दिया एम जीरो टी वाई का ई की पावर माइनस ए टी एम जीरो टी एक्स, इसको अलग किया प्लस कर दिया लॉग है तो लॉग ई की पावर माइनस ए टी प्लस लॉग एम जीरो टी इंटू सॉरी एक्स, तो ये हो गया आपके पास माइनस ए टी ई से ई कट गया, तो प्लस इसका विस्तार कर दिया के वन टी प्लस के टू टी स्क्वायर अपन एंड सो ऑन के थ्री टी क्यू अपन फैक्टोरियल थ्री, ये यहां से t कॉमन ले लिया के वन माइनस ए टी प्लस के टू टी स्क्वायर अपन फैक्टोरियल टू प्लस के क्यू टी क्यू अपन, कंपेयर किया बोथ साइड तो के वन वाई इक्वल टू आएगा के वन माइनस ए, के टू वाई इक्वल टू के टू या के टू एक्स, के थ्री वाई इक्वल टू के थ्री या के थ्री एक्स, बाकी मान समान आएंगे सिर्फ पहला मान है वो चेंज होगा। तो नेक्स्ट है द आरएथ कम्पोनेंट्स ऑफ द सम ऑफ एनएथ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आरएथ कम्पोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेरिएट, तो लेट आरएथ संचय का सम एन इंडिपेंडेंट वेरिएट है वो इक्वल होगा सम ऑफ द आरएथ कम्पोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल आरएथ के योग के बराबर। तो एक्स वन एक्स टू एक्स ना इंडिपेंडेंट वेरिएट, एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स एन, एम जीरो टी एक्स इक्वल टू ई की पावर टी एक्स, एक्स की जगह रख दिया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एन सो एन एक्स एन, इसको ई की पावर टी एक्स प्लस में तो इसको अलग अलग कर दिया ई की पावर टी एक्स वन ई की पावर टी एक्स टू एन सो एन ई की पावर टी एक्स वन, इसको लिख दिया अपन ने एम जीरो टी एक्स वन एम जीरो टी एक्स टू एम जीरो टी एक्स एन, तो लॉग ले लिया यहां पर तो लॉग ऑफ एम जीरो टी एक्स, तो लॉग ऑफ एम जीरो प्लस में हो गया एम जीरो टी एक्स वन प्लस लॉग जीरो एम जीरो टी एक्स टू एंड सो ऑन लॉग एम जीरो टी एक्स एन। इसके बाद में के एक्स टी इक्वल टू के एक्स वन प्लस के एक्स टू, इसका लॉग एम जीरो टी एक्स का मान रख दिया के एक्स टी, बाकी सबका मान रखते जाएंगे के एक्स वन टी के एक्स टू टी के एक्स एन टी, इसको आर एच सम निकालना है अपन को, तो आर एच की फॉर्म में लिख दिया इसने, यहाँ इंडिविजुअल आर एच फॉर्म है और यहाँ एक्जाई आर एच फॉर्म है, तो के आर एक्स टी आर अपन फैक्टोरियल आर, के आर एक्स वन समेसन टी आर अपन फैक्टोरियल आर प्लस समेसन के आर एक्स टू टी आर अपन
फैक्टोरियल आर प्लस एंड सो समेशन के आर एक्स एन टी आर अपॉन फैक्टोरियल कोएफिशिएंट ऑफ टी के आर को यहाँ कंपेयर कर दिया तो के आर एक्स इक्वल टू के आर एक्स वन प्लस के आर एक्स टू प्लस एंड सो के आर एक्स एन। नेक्स्ट है करेक्टिक्स फंक्शन अभिलक्षण फलन फॉर एनी आर्बिट्री वेरिएट एक्स ए फंक्शन डिफाइंड फाई एक्स टी इक्वल टू ई की पावर आईटा टी एक्स इज कॉल्ड द सी एफ अवलक्षणिक फलन। करेक्टिक्स फंक्शन क्या होता है फाई एक्स टी इक्वल टू ई की पावर आई टी एक्स टी इज रियल नंबर आईटा इक्वल टू अनरूट माइनस वन। अगर अनकंटिन्यूस फंक्शन है या डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्स आई इक्वल टू वन आई टू वन टू थ्री और एक्स आई इक्वल टू पी आई तो फाई टी इक्वल टू ई की पावर आईटा टी एक्स इक्वल टू समेशन पी आई ई की पावर आईटा टी एक्स इक्वल टू एम जीरो आई टी। तो धन्यवाद आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन हल करेंगे इस रिलेटेड।